राहु का उपाय अगर आप शनिवार को करते हैं या बुधवार को करते हैं, यानी आज के दिन करते हैं, तो आपको करोड़ों गुना फायदा होता है। बस आपको अपनी छत पर ये काम करना है। कौन सा ऐसा काम है जो आप अपनी छत पर करते हैं तो आपको फायदा मिलता है? मित्रों, छत जो होती है राहु का प्रतीक होती है। अगर साउथ वेस्ट दिशा में भी करते हैं तो भी आपको फायदा होता है, लेकिन छत पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होती है। छत पर आप ये काम करना चालू कर दीजिए, इससे निरंतर धन का प्रवाह आपके जीवन में तीव्र गति से आता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी आपको कोई आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस घर में छत पर ये काम होते हैं उस घर में पैसों का प्रवाह निरंतर बना रहता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, पूरी देखना और शेयर करना सबके साथ, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो। आपको हम पहले बता ही चुके हैं, छत राहु का प्रतीक है और केतु का प्रतीक होता है बेसमेंट। केतु के लिए जो उपाय होते हैं बेसमेंट में आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, और राहु के उपाय अपनी छत पे करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। कभी भी छत पर कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। छत पर जनरली लोग कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो छत अगर साउथ वेस्ट दिशा में छत पे आप कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो बेनिफिशियल होता है। अन्य किसी भी दिशा में छत पर आपको कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। छत पर जल का पात्र भरकर आपको ईशान दिशा में रखना चाहिए। हालांकि जो छत पर टंकी होती है उसको आप साउथ दिशा में बनाते हैं और उसमें पानी भर के रखते हैं तो वो शुभ होता है। साउथ वेस्ट दिशा में भी पानी की टंकी आप बना के रख सकते हैं। तो ऊपर छत पर का नियम कायदा अलग है, और ईशान दिशा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है, अंडर वाटर टैंक बनाते हैं, धरती में अगर टैंक बनाते हैं तो आपको दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए, वो टैंक आपको ईशान दिशा या उत्तर दिशा में ही बनाना चाहिए। इससे आपके जीवन में पैसे का प्रवाह बना रहता है। लेकिन छत की टंकी अगर आप दक्षिण दिशा में रखते हैं या साउथ वेस्ट दिशा में रखते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। छत पर कभी भी पुराने जूते चप्पल एकत्रित करके ना रखें, उनको या तो फेंक दें या किसी को दे दें अगर सही कंडीशन में है तो। छत पर आप चार बत्ती वाला दीपक जलाएं और उसको बर्न करें साउथ वेस्ट दिशा में छत पर, और आपको उसमें थोड़ा सा खोपरे का तेल डालना है और वो दिया आपको जलाना है। खोपरा स्वयं राहु का प्रतीक होता है और राहु आपको समृद्धि देने में सक्षम हो जाते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। राहु की शांति के लिए उड़द का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। चार कटोरों में उड़द भर के दान देते हैं तो आपका राहु शांत होता है, और उसको छत पर थोड़ी देर रख दीजिए, फिर आप दान दीजिए, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। चार काली इलायची लेवें और उसको बर्न करके पानी में बहा दें, इससे भी आपका राहु शांत होता है और प्रसन्न होकर आपको मनमाना पैसा देता है। छत पर बैठकर राहु का मंत्र जपें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहु वे नमे। इस मंत्र का जितनी ज़्यादा संख्या में आप जाप करेंगे, चार की संख्या होनी चाहिए टोटल, आपको लाभ ही लाभ होने लगेगा। राहु के लिए भैरव जी की पूजा बहुत श्रेष्ठ होती है। सरस्वती माता की पूजा भी आप कर सकते हैं। ये पूजा आप छत पर बैठकर करते हैं तो आपको लाभ होता है। छत पर ना कर सके क्योंकि गर्मी है, धूप है, तो इसका बंदोबस्त आप साउथ वेस्ट दिशा में करें, और इसको करने से आपको लाभ होगा। ये पूजा आपको बहुत लाभ देती है। भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने वाले को भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर बुधवार को 40 बार आप सरस्वती माता का मंत्र पढ़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमर सी। हमसे परामर्श लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करना होता है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।